सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछोर विधायक ने डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी और पत्रकारों का किया सम्मान। पिछोर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर ब्रजेश शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर दीपा दुबे ने 10 वर्षों में 950 सीजर ऑपरेशन सफलतापूर्ण किए, 40,000 नॉर्मल डिलीवरी टारगेट से बढ़कर कुशल कार्य किया। सफलता के 10 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर शर्मा द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू रहे। कार्यक्रम में एक और अतिथि को आमंत्रित किया गया जो कि इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। 10 साल पहले जब डॉक्टर शर्मा ने पहला सीजर ऑपरेशन किया था जो कि सफलतापूर्ण किया गया था, इस बच्चे ने उस दिन जन्म लिया था। बच्चे के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पिछोर विधायक द्वारा बच्चे को माला पहनाकर और तोहफा देकर उसका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही सम्मान समारोह कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स और स्वास्थ्यकर्मी का सम्मान किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में पत्रकारों का भी सम्मान किया गया जिसमें नगर के सभी पत्रकारों को पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू ने सम्मानित किया। साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सभी डॉक्टरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी लोग अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा सही दिया है। अगर जो डॉक्टर ईमानदारी से कार्य नहीं करता तो डॉक्टर जैसे पेशे को बदनाम करता है तो वह सम्मान के काबिल नहीं है। साथ ही विधायक ने बीएमओ डॉक्टर संजीव शर्मा की भी प्रशंसा की। साथ ही डॉक्टर ब्रजेश शर्मा और उनकी पत्नी दीपा दुबे की प्रशंसा की। अंत में स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सभी डॉक्टर की ओर से पिछोर विधायक को जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य भागीदारी मनीष शर्मा की रही। रुचि नहीं है या कुछ रोकने में मजा आता है, ये किसी की आलोचना की बात नहीं, लेकिन क्या करें आज की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। एक कहावत है कि नेता ना करना चालू कर दें और अधिकारी हाँ करना चालू कर दें। इस देश की जो विडंबना है, नेता कभी ना नहीं करता और अधिकारी कर्मचारी कभी हाँ नहीं करते, और इस चक्कर में बहुत सारे काम ऐसे रुके रहते हैं जिनको होना जनमानस के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेता जैसे जो भी बात कहोगे वहां कर देंगे, चाहे उनके बस की हो चाहे ना हो, पीछा छुड़ाते हैं। वो अधिकारी कोशिश ये करते हैं कि जो काम हो उसको कितना डिले किया जाए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था जिसके लिए राज्य सरकार की आवश्यकता थी, लेकिन जो केंद्रित कर रखे हैं पावर, ये जिला प्रशासन के लिए एक्चुअली दे देना चाहिए थे अधिकार, जहां जो व्यवस्था करनी है, विभागों को आपस में सामंजस्य करना है,